मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की कवायद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का नाम तय हो जाएगा और हाईकमान ऐसे व्यक्ति का नाम तय करेगा जो सत्ता और संगठन दोनों को मजबूत करेगा और तालमेल बनाकर चलेगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, ये सारे निर्णय कांग्रेस हाईकमान के पास पेंडिंग है और मैं समझता हूँ कि एक सप्ताह के अंदर इन दोनों कामों का निर्णय हो जाएगा, दोनों पदों का निर्णय हो जाएगा और बड़ा गहरा फैसला होगा। ऐसे व्यक्ति को चयन किया जाएगा जो प्रदेश की कमान बहुत अच्छे ढंग से संभाल के सत्ता और संगठन का तालमेल बना के रखेगा। क्या सिंधिया जी का नाम है? देखिए, हाईकमान इसीलिए बनता है, हर दल का हाईकमान इसीलिए होता है कि हम जैसे छोटे नेता लोग उस पर कोई कमेंट ना करें, वो गहराई से गुण दोष के आधार पर निर्णय हाईकमान लेता है और निश्चित रूप से उन कद्दावर नेताओं का उपयोग राज्यसभा के माध्यम से कांग्रेस ने करना चाहिए जिनसे कांग्रेस को लाभ हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।